मैं हूं गुंजन पंत और आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज सब्सक्राइब कीजिए भोजपुरी या मुंबई संगम। जैसा कि आप जानते हैं रसाल अपने भाई की ढाल, राइट? तो ये कैरेक्टर ऐसा है कि जो कि यूजुअली होता है कि भाई बहन को प्रोटेक्ट करता है, बट यहाँ पे हम एक सोसाइटी पे मैसेज देना चाहते हैं कि इट्स नॉट जस्ट ब्रदर हु प्रोटेक्ट्स द सिस्टर, बट बल्कि बहन भी इक्वली ही प्रोटेक्टिव होती है अपने भाई के लिए। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, एकदम हीरोइक कैरेक्टर है जो भाई के लिए कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेगी, भाई से इतना प्यार करती है कि मर मिट जाने के लिए तैयार है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से द शो इज़ रियली ब्यूटीफुल। रक्षाबंधन एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, भाई बहन के प्यार पे, उनके बंधन पे, और फिर भाई भाई के साथ जो लव स्टोरीज भी, भाई बहन के साथ जो लव स्टोरीज भी चल रही है, कनक शिवा की, समर रसाल की, सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशंस, ऑफ रिलेशनशिप्स। और 100 एपिसोड्स हुए हैं, तो मैं तो एक्चुअली रिसेंटली आई हूँ, शायद हम लोग 50 एपिसोड के बाद आए थे, 50-60 एपिसोड के बाद, और काफ़ी अच्छा सफ़र रहा है जब से सेट पे आए हैं, जब से पैंडमिक के बाद ये मेरा फर्स्ट शो है और आई एम एंजॉयिंग इट थ्रू आउट एंड आई लव प्लेइंग माय कैरेक्टर कनक। बहुत खुशी है 100 एपिसोड हो गए, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ कि सब लोग हमारा शो देख रहे हैं, ऐसे ही देखते रहिए हमारा शो, जैसे देखते थे वैसे ही देखते रहिए, क्योंकि हमारा जो शो है एकदम प्योर भरा है। यस, हाँ, उसके लिए तो सबको थैंक यू, आप सबने हमारी टीआरपी की बढ़ाई, सबने हमारा शो अच्छे से देखा, हम सबको प्यार किया, थैंक यू। एक्चुअली 100 एपिसोड्स ऐसा लग रहा है जैसे अभी तो ज्वाइन किया था, यू नो आई एम नॉट इवन फीलिंग एग्जॉस्टेड कि हाँ हमने बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, 100 एपिसोड हो गए, बहुत नया फ्रेश फील आ रहा है मुझे कि वी अकम्पलिश्ड सो सून, इट्स अ ब्यूटीफुल न्यूज़ एंड मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। मैंने तो आई डिडंट इवन कीप अ काउंट एंड अचानक से इट्स लाइक ओ वी आर टचिंग 100। ड्रामा वगैरह सबको बहुत अच्छा लग रहा है, दिस इज़ अ वेरी नाइस स्टोरी, इंटरेस्टिंग होती जा रही है, और अभी तो मैं अभी तो रसाल मेरे घर आ गई, अभी ड्रामा और दुगना होने वाला है, शिवराज भी मेरे घर आ रहा है, तो द फेस ऑफ इज़ गोना बी इवन मोर स्ट्रॉन्गर एंड क्रेजियर डे बाय डे। सो कॉन्सेप्ट ये था कि मी एंड मूंग सिंह वर सपोज टू बी लाइक बंटी बबली, हम लोग लूटते हैं, यू नो लूट के रिच बनना चाहते हैं, हमारा एक अलग बैक स्टोरी है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग उस स्टोरी को आने के को कल्मिनेट करते गए, हम लोग का ये था कि हम इस पर्टिकुलर फैमिली को लूटेंगे, सिंगल फादर है, इससे शादी करेंगे, फिर लूटपाट के चले जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे लिखते लिखते स्टोरी अनफोल्ड होती गई एंड ऐसे न्यू आइडियाज़ आते रहे एंड वी जस्ट केप फ्लोइंग, यू नो, सो इट्स अ गुड फील। पहले रक्षाबंधन आता तो हम दोनों ने राखी बांधी थी, हाँ, तो अभी मुझे वो केक तो बहुत पसंद आया था, बस मेरा मन कर रहा है कि वो चॉकलेट केक हो इस बार। हाँ, चॉकलेट वाला तो मेरा फेवरेट है, दोनों को पसंद है, हम दोनों को। अच्छा, अपना अपना एक डायलॉग, फेमस जो डायलॉग था आप लोगों का सुना दो, भाई की मदद आप कैसे करते थे ना, आप सुना दो जब सामने। जब एक भाई अपनी बहन को रक्षा कवचन दे सकता है तो एक बहन अपने भाई को रक्षा कवचन क्यों नहीं दे सकती। वो तो बहुत 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 प्यार करते थे, बहुत प्यार करते हैं वो। निशान भैया की तो गोदी में, मैं हमेशा गोदी में रहती थी, कभी नहीं उतरती थी, सिर्फ सीन के लिए उतर जाती थी, सीन के बाद फिर से गोदी में आ जाती थी। थैंक यू सो मच, 100 एपिसोड हमने आज रक्षाबंधन के पूरे किए हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे जब मुझे बताया गया कि 100 एपिसोड्स हो गए, मुझे लगा इतना जल्दी ये कब हुआ, तो इट वाज अ वेरी वेरी एक्साइटिंग मोमेंट एंड आई एम रियली हैप्पी। जर्नी काफ़ी डिफ़िकल्ट रही मेरे लिए, लेकिन चैलेंजिंग थी और फुलफिलिंग थी, क्योंकि मैं पहले अपना ही बाप प्ले कर रहा था इस शो में, आई वाज प्लेइंग उमेद प्रताप सिंह, फिर वो ऑडियंस को इतना पसंद आया कि जब शिवराज को बड़ा होना था बेटे को बदला लेने के लिए फादर की डेथ का, तो दे वॉन्टेड मी टू प्ले दैट कैरेक्टर टू, एंड फॉर दैट आई हैड टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ, मुझे वेट लूज करना पड़ा, मुझे अपनी लुक्स बदलनी पड़ी, बिकॉज फ्रॉम 34 आई हैड टू स्टार्ट लुकिंग 25, 26, 27 मैक्सिमम, तो उस एज ब्रैकेट में आने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, और उसके अंदर मैंने काफ़ी बॉडी बॉडी बनाई अपनी, जिसकी फोटोज मैं बहुत जल्द रिलीज करने वाला हूँ।
अभी उतार चढ़ाव तो डेली सोप में आने ही चाहिए, नहीं तो टीआरपी कहाँ से आएगी। हमारा शो इस वक्त चैनल पे नंबर वन है और काफ़ी सारे शोज जो कॉम्पिटिटिव चैनल्स के हैं उन सबके सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है ऑडियंस के द्वारा। तो आई थिंक बहुत जितनी मेहनत हम कर रहे हैं वो ऑडियंस पसंद कर रही है, उसको सराह रही है, उसको प्यार दे रही है, एंड बस जिस तरह मेहनत कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे आगे भी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली, सच बताऊँ तो 15 साल के लंबे स्ट्रगल के बाद मेरे को एक शो मिला है जो मैं पहले एपिसोड से कर रहा हूँ, और मैंने हम लोगों ने 100 एपिसोड कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक्स टू यू, सबको बहुत बहुत बधाई और सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बस ये जो 100 आया ना, इसकी जीरो आगे 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 बढ़ाते रहिएगा।